हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा CSIR IMMT में जॉब्स निकली हैं जो कि 10+2 के लिए भी अवेलेबल हैं। तो मैं ले चलता हूं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से मैं आपको दिखा सकूं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे ऑनलाइन। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करेंगे CSIR IMMT और ये सबसे पहला आपको URL मिल जाएगा www.imm.res.in। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट लोड होगी, जिसपे एक पॉपअप दिया जाता है और जो भी रिक्रूटमेंट्स नए हो रहे होते हैं या हो चुके होते हैं उनकी नोटिफिकेशन इस पॉपअप में आ रही होती हैं। तो ये जो URL है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पेज पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट रिक्रूटमेंट हो रहा था उसकी डेट निकल चुकी है, आप ये देख सकते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसके लिए अप्लाई करा था तो इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की है, जो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसको सबमिट भी करना होता है IIMT में, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, इसको आपको इस लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना है। तो आज हम लोग बात करेंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर की, जो कि 10+2 के लिए जॉब आई है। तो यहाँ आपको पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना है, उसके बाद ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं पूरा स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे एक एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट 20/5 है, जो कि कल की डेट है, और डेट ऑफ क्लोजिंग 21/6/2021 है, जो कि एक महीना पूरा टाइम मिला है, और इसकी भी हार्ड कॉपीज आपको सबमिट करनी होगी जो कि 30/6 तक है। तो नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक का टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसको पढ़ लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट सिर्फ 7 पेज का है, ज़्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो आप हिंदी के भी ऑप्शन दिए हैं, आप यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप एक बार खुद से भी इसको हिंदी में पढ़ेंगे या इंग्लिश में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट आपको है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट का रिप्लाई आपको सब्सक्राइब करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि 7 पोस्ट है और एसटिक लगा है, मतलब पोस्ट अप एंड डाउन हो सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी 4 है, SC1 है, ST1 है, EWS1 है, और यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 है, इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट, तो 35 मिनट पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, एंड यूजिंग द कंप्यूटर एज पर द डिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बताया है कि ऐसा नहीं कि आप बाद में कहें कि मेरे लैपटॉप पे स्पीड अच्छी है या मेरे अपने कीबोर्ड पे स्पीड अच्छी है, जो यहाँ से प्रिस्क्राइब कंप्यूटर कीबोर्ड आपको दिया जाएगा उस पर आपको इंग्लिश 35 पर मिनट में लिख के टाइप करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में बताया है नौकरी की आवश्यकता के बारे में, टू परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज वेन असाइंड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए JSF है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, जो कि FNA है, जो कि होता है विथ एंड लेखा के लिए। उसकी 2 पोस्ट हैं, पे स्केल ये है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यही मांगी गई है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट SNP, जो कि भंडार एवं क्रय के लिए है, उसमें 3 पोस्ट हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पे स्केल सेम है, ज़्यादातर पे स्केल सबकी सेम है, और ये प्रोफेशनसी आप देख सकते हैं जो एजुकेशन की है। और जो लास्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर, जो कि 2 पोस्ट हैं, इसकी पे स्केल थोड़ी सी ज़्यादा है और क्वालिफिकेशन भी सेम, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे लिखा है वैकेंसी में लाइकली टू चेंज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन, तो जो जॉब्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, कोई फिक्स नहीं है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रेफरेबली MS Office, MS Word, MS Excel, PowerPoint एंड फुलफिलिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जैसे ये क्वालिफिकेशन बताई है, ये आपको फुलफिल करना है जो कि 10+2 है, और उसके साथ में आपको कंप्यूटर की प्रोफेशनसी होनी चाहिए। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा इसका। तो ये ओडिशा में है, अप्लीकेबल सिटी देखिए यहाँ बताई है, अप्लीकेबल सिटी भुवनेश्वर ओडिशा में है। एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड है। उसके बाद यहाँ बेनिफिट काउंसिल्स के बारे में है, जैसे HRA, DA, TA, तो ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और पॉइंट्स क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सन विद अ बेंचमार्क और डिसेबिलिटी, मतलब 40% से अगर ज़्यादा की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप डिसेबल माने जाएंगे। तो यहाँ 3rd पॉइंट है रिलैक्सेशन का, जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ पे अगर SC ST में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC में है तो 3 साल का मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे और पॉइंट है, 3rd का C का 1st पॉइंट बताया है कि अगर कोई विडो है तो उनको 10 सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मतलब कोई विधवा है। अगर लेकिन अगर कोई डाइवोर्स्ड है तो फिर उनको जो जुडिशियल सर्टिफिकेट मिलता है अलग होने के बाद वो आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 4th D पॉइंट है,
कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी पर्सन है, मतलब पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी से है, तो उसका 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। अगर वो एस सी एस टी से है और डिसेबल है और एस सी एस टी दोनों में है तो यहाँ 15 साल का रिलैक्सेशन होगा। अगर ओ बी सी है और डिसेबल है तो 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसको आप पढ़ लेंगे। और देखिए ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी होनी चाहिए, यही डिसेबिलिटी को माना जाता है। अगर आपकी डिसेबिलिटी आपके डिसेबल सर्टिफिकेट पे 40% से कम की मेंशन है तो आपको डिसेबल पर्सन नहीं माना जाएगा और आपको ये एज रिलैक्सेशन जो ऊपर बताए गए हैं डी पॉइंट में, ये आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू किसी में से अगर आप आते हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोमिनेंट इशू रिसेंटली। तो यहाँ जो रिसेंटली आपका होगा वो मान्य होगा, अगर 2-4 साल पहले बना है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास नया नहीं है तो आप उसको अप्लाई करा ले, आपको जल्द से जल्द ये मिल जाता है। उसके बाद EWS के बारे में बताया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर में, जिसमें आता है कि अगर फैमिली इनकम 8 लाख से कम की है तो EWS सर्टिफिकेट बनता है, अगर ज़्यादा की होगी तो आप EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न के बारे में बताया, अगर आप इस पीरियड में, यहाँ पे पीरियड बताया है 1/1/1989 से 31/12/1989 सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट, अगर आप इस दौरान यहाँ पे मूव हुए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया है कि आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, आपको मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए और हाई स्कूल 10+2 होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है, एक बार आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है, यहाँ कैसे अप्लाई करना है ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। देखिए, स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए जो कि 50 KB का होना चाहिए, यहाँ मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे फीस के बारे में बताया है, 100 रुपीज़ फीस लगेगी, लेकिन जो एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी में है या वुमेन है या उनको ये फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ खाली नॉर्मल यू आर को ये फीस देनी होगी, या ओ बी सी में है तो आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट अप्लीकेशन का बताया है कि आपका जो पेमेंट होगा वो इस तरह से होगा। वैसे ऑनलाइन जब भी आप पे करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI यूनो के, तो वहाँ से पे हो जाएगा। अभी जब ऑनलाइन करेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैं अभी फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा वो SC का है, तो वहाँ पे पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन लास्ट स्टेप में पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है H में, ये द फॉलोइंग डिटेल मस्ट बी फिल्ड अप ऑन द बैक साइड ऑफ द SB कलेक्ट रिसिप्ट जनरेटेड आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द फी, कैंडिडेट नेम, तो मतलब आप जब फी जमा करेंगे तो उसका प्रिंट निकालना है, क्योंकि आपको ये पोस्ट करना पड़ेगा इस एड्रेस पे, ये देखिए मेंशन है। तो उसके लिए बताया है, जो आप रिसिप्ट निकालेंगे उसके पीछे अपना नेम भी लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, और लास्ट में है पोस्ट कोड अप्लाइड फॉर, पोस्ट कोड नंबर डालना होगा। पोस्ट कोड नंबर भी सबसे ऊपर ही आपको बताया गया था, ये देख सकते हैं, ये जो दिए हैं इस साइड में सबसे पहले वाले, ये सब पोस्ट कोड हैं। तो आप जिसके लिए भी अप्लाई करेंगे ध्यान रखिएगा, उसी का पोस्ट कोड आपको डालना होगा। यहाँ पे बताया है, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ बिफोर लास्ट डेट ऑफ प्रिंट आउट इट नॉट बी अवेलेबल आफ्टर लास्ट। तो यहाँ पे बताया है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा सारे कागज को, उसके बाद अपने हाई स्कूल, इंटर, जो मार्कशीटें आप लगा रहे हैं वो सब लगाना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी या किसी और कैटेगरी से आते हैं, देखिए यहाँ बताई है कैटेगरी SC ST OBC EWS PW, तो इसमें से अगर कोई आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको इसके कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद जो ये रिसिप्ट निकलेगी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद SBI कलेक्ट की, जो भी है को आपको पीछे जो लिखना है ये मैंने आपको बता दिया, और इस रिसिप्ट को भी आपको साथ में डालना होगा। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजेंगे इसकी एक कॉपी अपने पास भी रख लेंगे। उसके बाद यह गया बताया है कि एप्लीकेशन पेड थ्रू SBI कलेक्ट एनवेलप सब्सक्राइब एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे, जो एनवेलप आप भेजेंगे, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेंशन करना होगा, पोस्ट कोड मेंशन करना होगा, एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन करना होगा। तो पोस्ट ऑफ जो है वो पोस्ट ऑफ आपको यहाँ मिल जाएगी, ये देख सकते हैं ये पोस्ट ऑफ है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफ आपको इस तरह से लिखना होगा। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट जी, और अगर यहाँ पूछा जाता है एडवर्टीजमेंट नंबर तो आपको ये एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है, अगर पोस्ट कोड है तो आपको ये लिखना है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा, देख लीजिएगा एक बार। वैसे मैंने आपको बता दिया है, आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ हैं। यही सारी चीज़ें डाल के एक एनवेलप में, और एड्रेस करना होगा आपको पोस्ट लास्ट डे से पहले। जब आप ये पोस्ट कर देंगे तभी आप माने जाएंगे कि आपने पूरा अपना फॉर्म को कंप्लीट करा है, तभी उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। और आपको पोस्ट कहाँ करना है उसका एड्रेस देखिए ये मेंशन है, आपको ये उड़ीसा भुवनेश्वर में पोस्ट करना होगा। अगर आप इसको पोस्ट नहीं करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ भर देते हैं,
तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट माना जाएगा अगर लास्ट डेट तक नहीं उनके पास पहुंचता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉलोइंग सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच अलॉन्ग विद द हार्ड कॉपी अप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंड बाय पोस्ट। तो जो आपको ऊपर भेजना है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है वो भी देख लेते हैं। देखिए साइन कॉपी ऑफ प्रिंटेड ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, तो जो ऑनलाइन फॉर्म आप निकालेंगे उसको साइन करेंगे और उसमें बताया है जो आपके 100 रुपये लगेंगे फीस में वो रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद सी पॉइंट है 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आउट ऑफ विच 1 विल बी पेस्टेड ऑन द हार्ड कॉपी अप्लीकेशन फॉर्म एंड साइन अक्रॉस इन द फुल एंड अनदर 2 सिक्योरली अटैच। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑनलाइन आप अप्लीकेशन फॉर्म को निकालेंगे 2 फोटो तो आप एनवलप के अंदर डाल देंगे और 1 फोटो उस फॉर्म पे चिपकाएंगे और उसको क्रॉस साइन करेंगे। आधा सिग्नेचर आपकी फ़ोटो पे रहेगा, आधा सिग्नेचर फॉर्म के ऊपर रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोकॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन अगर बनवा सकते हैं तो आप किसी भी नज़दीक CSC केंद्र या फिर जनसेवा केंद्र जाएंगे तो 2 से 3 दिन में वो आपको बना के दे सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट काफ़ी दूर है। तो 200-400 रुपये खर्चा होंगे, लेकिन फोटो डेट ऑफ बर्थ मांगा है तो आप यही भी दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ई पॉइंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अगर कहीं पे आप काम करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद वैलिड डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा, पैन कार्ड, ये भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ की कॉपी भी डालना होगा। और यहाँ मैं फिर से बता दूँ, जितनी भी चीज़ें ये सब आप डाल रहे हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करनी होगी, मतलब सेल्फ साइन करना होगा। उसके बाद है न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडिकेटिंग नेम ऑफ द पेपर डेट एंड पेज नंबर। तो ये देखिए आई में जो पॉइंट दिया इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये क्यों मांग रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द पेपर डेट एंड पेज नंबर, तो आपको ये भी कार्ड पीट के रखना होगा एनवेलप के अंदर। अब बताइए इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, अगर कोई और आप में दिक्कत थी, कोई सर्टिफिकेट आपका बना है तो वो भी आपको भेजना होगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया, OMR बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस के बारे में बताया है, इंग्लिश हिंदी होगी। स्टैंडर्ड जो होगा वो 12 से पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और 2.5 घंटे का टाइम होगा। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे बताया है, 90 मिनट में पहले 100 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के होंगे जिसमें मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद 1 घंटे में फिर एक टेस्ट होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, 50-50 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 150-150 के दोनों होंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये जो दूसरे आर में होगा 1 घंटे में 50-50 के जनरल और इंग्लिश में, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट था। अब हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया है, लेकिन आप एक बार फिर से एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया है। उसके बाद इस टैब को क्लोज कर देंगे तो देखिए ये विंडो खुली हुई है। ऑनलाइन अप्लाई करने ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन का आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरह से यही पेज फिर से ओपन होगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये अप्लाई नाउ का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा और नीचे करके देख सकते हैं, जो इससे पहले वाली पोस्ट थी जो पॉपअप पे आ रही थी साइंटिस्ट वाली, ये उसका है। उससे पहले कुछ होगा तो वो भी और नीचे यहाँ पे शो होता है, देखिए ये भी शो हो रहा है। तो इस तरह से ये एक के नीचे एक जितनी भी जॉब्स पुरानी हो रही होती हैं वो आ रही होती हैं, जो लेटेस्ट होती हैं वो सबसे टॉप पे शो होती हैं। तो यहाँ हम लोग को अप्लाई करना है, तो यहाँ हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा फॉर्म है, पहले हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके लिए जो फॉर्म है मैं उसको फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे फॉर्म को फिल कर दिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको जो भरना है इसके लिए 10+2 वाले में ये 02-2021 है, गलती से फर्स्ट वाले पे मत टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन भरना है, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए, वो अपना नेम लिखेगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखने के बाद देखिए यहाँ अगर आईडी अवेलेबल होगी तो चेक हो जाएगी, तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईमेल आईडी इज अवेलेबल। एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, इसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चंस है, फादर का नेम, स्कूल का नेम, टीचर का नेम और पेट का नेम, तो इसमें से एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आंसर लिखना है उसका आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि बाद में अगर आपको पासवर्ड रिट्रीव करना होगा तो आपको यही सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प लेनी होगी। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिया है, आप यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। कैप्चा कोड में सिर्फ नंबर हैं और टेढ़े मेढ़े दिखाई जा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये रिफ्रेश का बटन है, आप क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप यहाँ सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा। मैसेज आते ही ये ऑटोमेटिक आपको लॉगिन कर देता है। अब ऊपर आप देख सकते हैं आपका नेम आ गया, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ गया
और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही जो हम लोग ने अभी एडवर्टीजमेंट में पढ़े थे, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ग्रीन कलर का आता है, उसके बाद हट जाता है तुरंत और ये पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, यहाँ एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ टिक करेंगे और ये सबमिट का बटन है, आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही अब यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भरना अपना शुरू करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। तो काफ़ी बड़ा फॉर्म है ये भी, तो मैं पहले पूरा फॉर्म को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या क्या भरना है। पहले हम लोग लेफ्ट साइड का फॉर्म भरेंगे, फिर राइट साइड का फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट कोड है, तो आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फुल नेम जो है ऑटोमेटिक आ जाता है जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर पहले डेट, फिर उसके बाद जो मंथ है आप सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे, अपने फादर का नेम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये एज वाइज ऑन सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाती है जब आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरते हैं। उसके बाद ये एड्रेस है, आपको एड्रेस यहाँ फिल करना होगा, टाउन अपनी लिखनी होगी या सिटी है तो लिखनी है, कंट्री लिखेंगे, स्टेट इंटर करेंगे फुल। उसके बाद जो पिन कोड है वो डालेंगे। नीचे भी आपका ऑप्शन है लेकिन यहाँ कोई चेकबॉक्स नहीं दिया कि हम लोग क्लिक करें ऑटोमेटिक नीचे फिल होकर आ जाए। तो पहले अपना टेम्परेरी करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप ऊपर डालेंगे, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कॉपी करके ही नीचे सब पेस्ट करा है। देखिए पिन कोड मैंने छोड़ दिया था तो मैं इसको भी दिखा दे रहा हूँ, आप कॉपी करेंगे और नीचे ला के पेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपके दोनों एड्रेस अलग हैं तो आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं है, आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब राइट साइड के फॉर्म पर आते हैं, यहाँ सबसे पहले है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, अगर हैं बाय बर्थ तो आपको यहाँ पे स्टेट डालना होगा, आप स्टेट का पूरा नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है वेदर आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटीज हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ नेम ऑफ रिलीजन जो है वो आपको लिखना होगा। उसके बाद ST OBC EWS अगर आप हैं तो यस करेंगे, यस करने के बाद देखिए ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ ड्रॉप डाउन में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप क्या हैं। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, आर यू अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी के बारे में पूछा, अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे वरना नो रहने देंगे। एक्स सर्विस मैन अगर हैं आप तो यस करेंगे तो सेलेक्ट करना होगा वरना नो रहने देंगे। तो जब तक नो रहेगा ये चीज़ें इनएक्टिव रहेंगी, आप यहाँ क्लिक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वेदर आर यू वर्किंग इन CSIR ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। अगर आप जम्मू में रहने वाले हैं इस ड्यूरेशन के बीच के तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा यस पे टिक करके। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन में पूछा गया है कोई ऐसा रेफरेंस या रिलेटेड जो IMMT भुवनेश्वर CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट में अगर आपका जानने वाला है तो यस करेंगे। उसकी नेम डेजिग्नेशन कहाँ पे है, लैब असिस्टेंट रिलेशनशिप आपका क्या है उससे मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ नो रहने देंगे। और सेव एंड कंटिन्यू का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर ली। अब यहाँ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, उसके बाद अदर है, फिर पिक्चर एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ भी फॉर्म है तो उसको जल्दी से भरते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 10 का भरना है, फिर इंटर का भरना है। तो यहाँ बोर्ड पूछा है आपका, जो भी बोर्ड है आप उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपका बोर्ड दोनों सेम है तो उसको कॉपी करके रखेंगे और नीचे भी पेस्ट कर देंगे। टोटल मार्क्स कितने थे आपको पहले मार्क्स बताने होंगे, सेम मार्क्स थे फिर आप उसको लिखेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे। आपने कितने सिक्योर करे आपको वो बताने होंगे यहाँ पे। तो जो आपने सिक्योर करा है आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो सिक्योर करा है आप मेंशन करेंगे। परसेंटेज अब आपको यहाँ बतानी होगी कि कितनी परसेंटेज आपको मिली है, तो जो परसेंटेज आपने अचीव करी है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न पूछी है, आपकी डिवीज़न क्या आई थी तो आपको ये मेंशन करनी होगी। सब्जेक्ट क्या थे आपके वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा हाई स्कूल का, और फिर जो यहाँ पे आपके इंटर में जो सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ नीचे मेंशन करना होगा। आपने किस ईयर में हाई स्कूल करा आप ये मेंशन करेंगे, और किस ईयर में फिर आपने फिर किस ईयर में आपने 12th करा ये आप यहाँ मेंशन करेंगे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट पूछी गई है, तो आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कैलेंडर है, लेकिन कैलेंडर पे टाइप करने में बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे ईयर वाइज ऐसे देखिए नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है आप इसको यहाँ पे बंद कर देंगे कैलेंडर को, और डायरेक्टली पहले डेट है तो आप यहाँ पे एक डेट लिख लेंगे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर आपका जो मंथ होगा आप वो मंथ लिख लेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, और जो ईयर में आपको मिली थी आप इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर नीचे भी आपको इसी तरह से जो भी आपकी डेट है आप वो लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, जो मंथ है आप यहाँ लिखेंगे और स्लैश लगाएंगे, और जिस ईयर में मिली थी उसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ ऐड अनदर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है। वैसे तो ये 10+2 के लिए है, लेकिन आपके पास अगर ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, उसके बाद भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। या फिर आपके पास जैसे CCC का कोर्स है, ITI का कोई कोर्स है, कुछ भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं आप यहाँ लगा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के बारे में वर्ड पर मिनट इंग्लिश में पूछा है, तो आप कितना टाइप कर लेते हैं, जो आप कर लेते हैं आप। वैसे मैं आपको बता दूं कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड जो यहाँ मांगी गई है वो 35 मांगी गई है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड कोर्स है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कोर्स है जैसे ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे किस क्या ग्रेजुएशन आपने करा है, इंस्टीट्यूट क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रिमार्क्स आप लिखेंगे। उसके बाद अगर और ऐड करना है तो यहाँ ऐड अनदर क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने किसी तरह की रिसर्च वर्क या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करा है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कब गेन करा है। देखिए लिखा है डेट ऑफ ऑब्टेनिंग योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि कहाँ से आपने गेन करा है, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या थी जहाँ से आपने ये रिसर्च एक्सपीरियंस या जो भी करा है, पोस्ट क्या थी आपकी, पे स्केल क्या थी, किस डेट से स्टार्ट करा था, किस डेट तक करा था, और बोर्ड एरिया ऑफ वर्क रिसर्च क्या था। अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ ऐड अनदर एक्सपीरियंस करके कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ बस आपको हाई स्कूल इंटर की डिटेल्स भरनी है और ये आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भरनी है। आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए आप अदर इन्फॉर्मेशन पे आ गए। सबसे लास्ट में स्क्रॉल करके आएंगे, अगर पुराने किसी फॉर्म में आपने कुछ गलत भर दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप वापस स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। अब यहाँ पे आपको वेयर विजिटेड आउटसाइड इंडिया, यहाँ पूछा गया क्या आप इंडिया से कभी बाहर विजिट करा है, अगर आपने करा है तो यस करेंगे। आपको नेम ऑफ द कंट्री कहाँ विजिट करा है, किस डेट से स्टार्ट करा था, किस डेट तक आपने विजिट कर रखा है, पर्पस ऑफ विजिट क्या था, पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पे विजिट कर चुके हैं तो सब जगह पे आपको ऐड रो करके ऐड करना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपने विजिट करा, लेकिन अगर कहीं नहीं करा है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद देखिए पेमेंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट टू बी मेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज, वुमेन कैंडिडेट्स, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स फ्रॉम सीएसआरआई लेबोरेटरीज ओनली एंड कैंडिडेट स्टेइंग अब्रॉड नीड नॉट टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी। एससी एसटी डब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है। तो अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना है यहाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखिए नए टैब में एक ओपन हो जाएगा। आप कंट्रोल दबा के इसको ओपन करिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ओपन होगा, आप यहाँ पे कंसर्न देंगे और ये प्रोसीड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में एक ही ऑप्शन है पेमेंट डिटेल का, आप यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। टिक करते ही देखिए ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन है, तो ये डिफॉल्ट सेट रहता है। पेमेंट ऑफ पर्पस पूछा है, आप ये एप्लीकेशन फ़ी आप भर रहे हैं, अगर किसी और चीज़ के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग के लिए एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन है। अब यहाँ नेम ऑफ कैंडिडेट पार्टी पूछा है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन में आपका नेम है आपको वही लिखना होगा यहाँ। उसके बाद एड्रेस लैंडमाइन में अपना एड्रेस लिखेंगे। तो ये एज अ डेमो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे पेमेंट नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है, फिर जो आपका पिन कोड है आप उसको लिखेंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा जो आपने एड्रेस फॉर्म में भरा है वही सब चीज़ें वही नेम होना चाहिए, वरना डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आपको याद होगा 02 था, तो इस तरह से आपको अपना एडवर्टीजमेंट नंबर लिखना है। फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे थे, अगर इसमें से नहीं है तो आप अदर्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे इस तरीके से। करने के बाद यहाँ बजट अहेड के बारे में पूछा है, तो आपको यहाँ 100 रुपये फीस करनी है, आप 100 कर देंगे। मिसलेनियस में एनए कर देंगे, अमाउंट जो है यहाँ पे फिर से 100 कर देंगे। तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रिमार्क है यहाँ पे, अगर आपको कोई रिमार्क देना है तो कर देंगे, वरना छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है जो कि मैंने आपको एडवर्टीजमेंट में बताया था। अब आपको यहाँ फिर से नेम लिखना होगा, जो कि आप ऊपर से ही कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पूरे नेम को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे पेस्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो भरी है वहाँ पे अप्लाई करते समय आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ भरनी होगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मैं यहाँ पेमेंट नहीं करूँगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको यही मोबाइल नंबर है आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करी है, उसके बाद यहाँ इंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया है आप इसको यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद अब आपको सिंपली से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। एक बार देख लेंगे कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं है, क्योंकि इसी हिसाब से फिर आपकी जो रिसिप्ट होगी वो जनरेट होगी। आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, फिर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देखिए ये लिखा है प्लीज़ इंश्योर डैट यू आर मेकिंग द पेमेंट टू करेक्ट द पेई। तो यहाँ पे आपसे बताया गया कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेई को सही करने के लिए, तो यहाँ पे आप कंफर्म का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को नॉट एनेबल कर रखा है, जैसे UPI नहीं कर सकते, NFT नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो बेस्ट आपके लिए रहता है जो कि होता है कि अदर बैंक का डेबिट कार्ड, मतलब किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास SBI का है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो डेबिट कार्ड का नंबर है या ATM पे जो नंबर होता है आप वो डालेंगे, एक्सपायरी मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, जिसके नाम पे वो कार्ड इशू है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पूरा, CVV नंबर डालेंगे जो कार्ड के पीछे यहाँ दिखाई जाती है इस तरह से, और टाइप ऑफ करेक्टर जो ये कैप्चा कोड दिया है आप यहाँ पर डाल के पे कर देंगे। पे करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पे करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस पेज पे जो ये ट्रांसफ़र नंबर है ये एक मिल जाएगा, डेट मिल जाएगी आज की पे की, अमाउंट जो पे करा है, तो जो रिमार्क आपने यहाँ पे मैंने अभी भर के दिखाया था वो रिमार्क अगर आपको लिखना है तो वही रिमार्क यहाँ लिखेंगे, वही रिमार्क वहाँ आपको मिलता है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर में यहाँ पे 00 लिख सकते हैं, 6 बार आपको लिखना होगा। उसके बाद जो डेट में है बताया है, करंट एप्लीकेशन डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो आज की डेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बताया अमाउंट जो है वो आप 00 सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट में, और जो रिमार्क है उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखे या फिर NA लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से देखिए आपका फुलफ़िल हो जाएगा। लेकिन जो अदर कैटेगरी में है, OBC में है, जनरल में है, UR में है, तो उनको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद ये सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे और जहाँ भी आपने फोटो रखी है उसको डबल क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आप क्लिक करेंगे और जहाँ सिग्नेचर रखे हैं आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन देंगे। तो यहाँ पे बताया है कि अगर कोई भी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करा है गलत पाया गया, चाहे वो जॉब से पहले, सिलेक्शन से पहले या सिलेक्शन के बाद, तो आपका जो ये रिक्रूटमेंट है ये तो कैंसिल हो गई होगा और कोई और एक्शन भी आपके ऊपर लिया जा सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ड्राफ्ट है सेव हो जाएगा। देखिए इस तरह से फ़ोटो नेम के नीचे एक ब्लैक कलर से नंबर ऑफ फ़ोटोज़ आ जाएगा और सिग्नेचर के नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद आपको ये प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फ़ोटो को ब्लर कर दिया है और सिग्नेचर को ब्लर कर दिया है। अब ये देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म आपका आ जाएगा। इसी फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कहीं पे आपने कुछ गलत भर दिया है तो स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से ये एडिटेबल फॉर्म में हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले पार्ट पे आ गया, ये एडिटेबल फॉर्म में हो गया है। अगर कुछ नहीं चेंज करना फिर से आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे, ये देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे फिर लास्ट स्टेप में आ जाएगा। और ये देखिए लास्ट स्टेप में आ गया, आप यहाँ से फिर कंसर्न देंगे, कंसर्न देने के बाद फिर से प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने एडिट करा है तो फिर से आपको सेव ड्राफ्ट करना होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर एडिट करा है तो सेव ड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे, फिर ये फॉर्म आ जाएगा और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके सामने फिर इसी तरह से एप्लीकेशन दोबारा खुल जाएगी जिसमें आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिलेगा इसका प्रिंट निकालने के लिए। क्योंकि मैंने आपको सिर्फ एज अ डेमो वीडियो ये बताया है कि किस तरह से आप ऑनलाइन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे और क्या क्या लगाना है, कैसे पे करना है फीस को, ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। तो प्रिंट निकालने के बाद जो फॉर्म आपके पास निकलेगा आप उसके ऊपर एक फ़ोटो लगाएंगे, उस पर क्रॉस साइन करेंगे जैसा एडवर्टीजमेंट में बताया गया था। तो अगर मान लीजिए आपका नेट बंद हो जाता है या फिर सिस्टम बंद हो जाता है किसी वजह से तो आप दोबारा लॉगिन करेंगे, तो यह आप ऊपर देख सकते हैं वेलकम और आपका जो नेम है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा डिटेल ऑफ पोस्ट करके। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने कंप्लीट कर दिया होता तो स्टेटस में कंप्लीट आ रहा होता और यहाँ से भी डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं करा इसलिए इनकम्प्लीट आ रहा है। अब आपको दोबारा कंप्लीट करने के लिए यहाँ एडिट के बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए फिर से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप फिर से यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे, फिर से यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कहीं एडिट मत करिएगा, लेकिन जब दोबारा से एडिट करते हैं तो देखिए आपके पास ये वाला एक फॉर्म और आता है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ मोटिवेशनल और पोजिशन अप्लाइड के बारे में है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वरना यहाँ पर बस आप सिंपल से NA करके लिख दीजिए, ये देख सकते हैं NA करके लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, फिर से आप कंटिन्यू करिए। उसके बाद देखिए फिर से ये आपका पेमेंट का आ जाएगा, जो कि आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद ये भी सब चीज़ें भरी हुई हैं, अब यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर ये आ जाता है, आपको नॉर्मली यहाँ डिक्लेरेशन देना है, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए फिर इस तरह से फॉर्म आ जाता है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप ऑनलाइन CSIR IMMT में ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस दिखा दिया कि ऑनलाइन फी पेमेंट कैसे करना है और ऑफलाइन भी आपका कैसे होना है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है इस ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने से लेकर किसी भी पॉइंट पे कोई इशू है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।